आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भोपाल गैस पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से अतिरिक्त मुआवजा मांगने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल केंद्र ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए 7800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की थी, क्योंकि 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को हुए इस हादसे में तकरीबन 3700 लोग मारे गए थे। इसी संबंध में सरकार ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ सकते। गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने पीड़ितों को $470 मिलियन यानी 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, लेकिन पीड़ितों ने ज्यादा मुआवजे की मांग करते हुए कोर्ट में अपील की, जिस पर केंद्र ने गैस कांड पीड़ितों के लिए तकरीबन 7800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा मांगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि याचिका कानून के तहत चलने योग्य नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।